तो आज की क्लास में यार हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका एक्सरसाइज 2.2 का 9th वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका बहुत ही इजी है, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यार उससे पहले आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपकी अपनी स्टडी गाइड फैमिली में। चलो अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यार। तो क्वेश्चन में आपका है क्या भाई, कह रहा है कि द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन द रेशियो 5:7, 4 years लेटर द सम ऑफ एजेस विल बी 56 years, ठीक है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। तो क्वेश्चन है आपका भाई, इसमें कह रहा है कि आप एक तो राहुल है, दूसरा हरुण है। अब इनकी दोनों का एज का जो रेशियो है ना, वो कहा जा रहा है कि 5:7 है। और क्या हो रहा है कि भाई कह रहा है कि 4 साल बाद इन दोनों की एज जो है ना, उसका सम 56 हो जा रहा है। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस मीन्स कि उनकी अभी की यानी कि प्रेजेंट की एज क्या है। तो मैंने बताया है भाई कि जो भी चीज़ आपसे पूछा जाए उसी को हम एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस पूछा जा रहा है। अच्छा, अब इसमें भी हमको मानना पड़ेगा या तो हरुण का या तो राहुल का, कि भाई किसी एक का मानना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पर आपका रेशियो दिया गया है 5:7। तो जब भी आपको रेशियो दिया जाएगा ना यार, तो आप जो भी वेरिएबल मानोगे दोनों में उसी से मल्टीप्लाई कर देना। क्या कह रहा हूं समझना। जैसे यहां पर 5:7 है ना, तो इनकी एजेस क्या हो जाएंगी पता है, राहुल की एज हो जाएगी 5x एंड हरुण की एज हो जाएगी 7x। कोई भी वेरिएबल आप मान सकते हो, मैंने तो यहां पर एक्स कह रहा हूं बस, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझ लो। जैसे अब रेशियो का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अब इनकी एज तो ऐसा है ना कि 5 और 7 ही है। हो सकता है कि भाई 5 2 10 और यहाँ पर 14 रही हो, मतलब अगर 10 14 भी होगा तो हम कह नहीं सकते ना कि इनका एज 10 या 14 रहा होगा। या फिर हो सकता है कि इनका 15 and 21 रहा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। देखो इसमें हमने कैसे किया भाई, पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 10 upon 14 एंड और 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ठीक है, यहाँ पर 15 upon 21। 4 से मल्टीप्लाई करता दोनों में तो आता कुछ और नंबर। कहने का मतलब है कि ये भी 5:7 में ही है, ये भी 5:7 में भी है, और इसके आगे भी हम ऐसे कई नंबर्स निकाल सकते हैं जो कि 5:7 में हो। तो अभी इतने सारे नंबर्स हमको मिलेंगे, इनफाइनाइट नंबर मिलेंगे यार। तो ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को भी मान लेंगे कि हाँ ये इनकी एज है ना। तो जैसे यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करा हुआ है, अभी जितने भी रेशियो होंगे इनके, मतलब जैसे मल्टीपल होंगे, तो क्या हो रहा है भाई उसमें किसी एक सिंगल नंबर से ही दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हुआ है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर, क्योंकि हमको पता तो है ना कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों में, तो इसीलिए इन दोनों की एज का क्या हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 3 माना हुआ है तो यहाँ पर एक्स से हमने मल्टीप्लाई कर दिया बस। शायद आपको थोड़ी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी, बाकी अगर नहीं भी समझ में आया है ना तो कोई बात नहीं यार। यहाँ पर समझो कि जो भी हम वेरिएबल्स मानते हैं ना, वो अगर रेशियो में है तो दोनों में मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण क्या हो जाएगा आपका 5x एंड 7x। क्लियर हुई बात, ठीक है। अब चाहे इसको हम ऐसे लिख दें और चाहे ऐसे लिख दें, ठीक है, इस ये रेशियो में तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हमको इन दोनों की अलग अलग एजेस लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ो, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया ना बाकी आप कर ही लोगे, ठीक है। देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 4 years लेटर द सम ऑफ एजेस विल बी 56 years, ठीक है, यानी कि 4 साल बाद इनकी दोनों की सम का एज का सम क्या होगा 56। तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, 4 साल इनकी जो एज रही होगी उसको हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो आओ फाइंड करते हैं क्या हो जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं 4 years लेटर या फिर आफ्टर 4 years, कुछ भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी का मतलब ऐसा नहीं कि बिफोर लिख दो, ठीक है। तो क्या देखो, अगर 4 years की बात कर रहे हैं कि क्या होगी इनकी एज, अभी मान लो मेरी एज 23 है तो 4 years के बाद क्या हो जाएगी 27 होगी,
मेरी 23 एज में 4 आप ऐड करोगे, तो ऐसे ही अभी प्रेजेंट एज इनकी 5x है, तो इनकी भी क्या करोगे आप 4 ऐड करोगे ना, तो यहां पर लिख देंगे क्या राहुल की एज, मतलब राहुल एज ऑफ राहुल क्या हो जाएगा यहां पर 5x और प्लस का 4। सेम ऐसे इनका भी हो जाएगा हरुण भाई साहब का, तो यहां पर एज ऑफ हरुण कितना हो जाएगा 7x प्लस 4। क्लियर हुई बात? अब कह रहा है कि भाई 4 साल बाद तो हमको पता चल गया कि इनकी एज कितनी थी, अभी कह रहा है कि इन दोनों का सम जितना भी एज था उनका सम कितना हो रहा था 56, यानी कि इसका और इसका हम सम करेंगे किसके इक्वल 56 के इक्वल। आओ करते हैं यार, तो यहां पर हम लिखेंगे 5x प्लस का 4, ये तो पहला हो गया इनकी एज है भाई राहुल की, और यह है 7x प्लस 4 ये है हरुण की एज, इन दोनों का एज का सम किसके इक्वल 56 के इक्वल है ना। बस अब इसी को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद इनकी प्रेजेंट एज भी निकाल लेंगे हम लोग है ना। आओ देखो भाई जो लाइक टर्म्स हैं उनको साथ में लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। भाई ऐसा समझो कि एक्स वाली तुम्हारी फैमिली है, उनको ऐड करो कितना होगा, तो भाई एक्स वाला देखो यहाँ पर 7 है यहाँ पर 5 है, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा 12x। ठीक है, अब ये दूसरे की फैमिली है इसको ऐड कर देते हैं कितना है, भाई तुम्हारी फैमिली है लेकिन कितना है इसको बता सकते हैं ना, 4 4 कितना हो जाएगा 8 इक्वल में 56। क्लियर हुई बात? कहाँ पर दिक्कत है? अभी करना हमको ये है कि भाई x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालनी है तो जो भी नंबर्स होंगे सभी उस तरफ भेजेंगे, और जो ज़्यादा दूर होगा x से पहले हम उसको भेजेंगे, तो 8 है तो 8 को उस तरफ भेज देते हैं, तो यहाँ पर 12x हो जाएगा और यहाँ पर 56 माइनस का 8 हो जाएगा है ना। 12x 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 12 को भी उस तरफ भेजेंगे तो x 48 अपॉन का 12 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 1 बचा, x की वैल्यू आपकी आई 4 अपॉन 1 यानी कि 4। समझ में आया? x की वैल्यू है, अभी एज नहीं आई यार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब एज कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये जो 5x है ना यही तो इनकी प्रेजेंट एज है, तो क्या करते हैं x की जगह पर आप 4 रख दो बस, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देखो 5x है तो 5x की जगह 5 × 4 तो 1 की आ गई भाई 20, ऐसे इसमें भी रखेंगे 7 × 4 तो हो जाएगा 28। अब यहां पर समझने वाली बात है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि सर चलो ठीक है इनकी एज तो ये है तो इसका मतलब है कि इन दोनों की एज का सम आना चाहिए 56, बिल्कुल आनी चाहिए, लेकिन अभी इसको ऐड करोगे ना तो 48 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई ये तो प्रेजेंट एज है ना, 4 साल बाद उन दोनों का सम कितना हो जाएगा, एज का सम 56 होगा, तो अभी यहां पर इनमें रख करके देखोगे किसमें, इसमें रख करके देखोगे ना तो कितना आएगा आपका 56 आएगा, करके देख लेना यार, ठीक है। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत होगी ना तो जरूर क्वेश्चन पूछना, कमेंट करना, मैं जरूर बताऊंगा उसका आंसर, ओके। बाकी जो पिछले क्वेश्चन है पिछले एक्सरसाइजेस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा है कोई भी दिक्कत है ना तो प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे दूंगा यार डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लेना, ठीक है। तो फिलहाल तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे यार, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।